हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज जो सेशन लिया गया है फ्रेंड्स, वो अलजेब्रा से है। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यहां बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। तो फ्रेंड्स, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, अगर मैं जैसे बात करूं कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जैसे आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा फंक्शन, और आपसे कहेगा कि x माइनस a से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रिमाइंडर होता है हम कैसे निकालते हैं, x माइनस a बराबर क्या कर देंगे, जीरो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a। यानी इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो हम क्या निकाल देंगे फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ a निकाल देंगे। बात समझ में आई? चलिए फ्रेंड्स, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 प्री के पेपर में पूछा गया कि 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स, कुछ मत करिए, क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यही है। तो यहां से देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2। जो x बराबर 1/2 आया फ्रेंड्स, रिमाइंडर निकालने के लिए हमने कहा क्या कहा, इसी में पुट कर दीजिए। इसी में पुट कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3 × 1/2 1/2 की पावर क्या कर देंगे, 4। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन पूरा अप्लाई कर दे रहा हूं, पावर 4 माइनस 2, x बराबर 1/2 है तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 4 × कितना हो जाएगा, 1/2, और माइनस का 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इज इंप्लाइज दैट, देखिए यहां कितना हो जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16, यानी 1/2 कितना हो जाएगा, 16। माइनस अब 2 × यहां करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2 × 1/4, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 × 1/2, माइनस का हाफ। 2 से काटेंगे, देखिए 2 × 2 = 4 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स यहां से देखिए आपको कितना आ गया, 3/16, माइनस का फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1/2, और यहां पर देखिए फ्रेंड्स प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, अगर 2 से मैं 1 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, यानी प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जिसके नीचे फ्रेंड्स 16 हो। तो ये दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए। तो 16 से भाग करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस यहां करेंगे 2/8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 कितना आ जाएगा, 2/8 16 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 8। यही हो जाएगा, माइनस का 8, और यहां देखिए फ्रेंड्स 1 है तो प्लस करेंगे तो 1 से 16 भाग करेंगे, 16 करना कितना हो जाएगा, 16। तो 16 × 3 = 19 में से फ्रेंड्स 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 11/16 कितना आ जाएगा, 11/16, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, SSC CGL में आपके प्री के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी CGL 2022 में पूछा गया है, प्री के पेपर में क्वेश्चन कह रहा है, जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो अब देखिए यहां फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, m प्लस 1 बराबर 0, तो m इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 1, m बराबर माइनस 1 यहां पे पुट कर देंगे तो माइनस 1 की पावर 12 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, तो इसका मतलब माइनस 1 की पावर 12 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। एक बातें ध्यान देना फ्रेंड्स, माइनस 1 की पावर अगर इवन है तो इसका आंसर हमेशा प्लस 1 आएगा। अगर आपको मान लीजिए माइनस 1 की पावर फ्रेंड्स 8 है, क्या है, 8 है, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, माइनस का 1। ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो यहां प्लस का 1 1 - 1 यानी कितना आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 को डिवाइड किया गया है x माइनस 3 से, तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब यहां पर पुट कर देंगे, पुट जैसे ही करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस यहां पर 7 × 3 कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, माइनस का 21, और प्लस
प्लस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए 21 में से 15 घटा देंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, यानी 9 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बातें अच्छे समझ में आ गई हैं, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।